अब आपने अपने कथा वचन को कमर्शियलाइज कर दिया है। अब आप एक इवेंट का 9 लाख 10 लाख रुपया लेती है, विच इज टू एक्सपेंसिव। तो ये आपके दिमाग में कैसे आया? और यू वांट टू मेक मनी? नो, तो ये मैंने कोई स्टार्टिंग से नहीं, मैंने हमेशा से, मैंने कहा जो आप मेहनत करते हैं आप डिजर्व करते हैं, वो चीज हुई है। मैंने कभी स्टार्टिंग से, मैंने शुरुआती तौर से ये नहीं कहा कि मैं सिर्फ एक संत हूँ या साधु हूँ, मैं अच्छे घर में रहती हूँ। ठीक है, मान लिया जो आप कह रही है वह सब ठीक है। पहले हम ये देखेंगे कि कथा पुराने टाइम पे कैसे हुआ करती थी। वीडियो पूरी देखिएगा, इनके बारे में आगे बात करेंगे। मैं अगर अपना अनुभव बताऊं तो हमारे यहाँ जो कथावाचक आया करते थे, अगर आप 90s किड हो तो आपने देखा ही होगा कि जो आरती के वक्त कुछ पैसे लोग दिया करते थे या कोई दान दिया करते थे, कोई कथा की लास्ट में राशन दिया करता था, वो उन कथावाचक और उनकी टीम की कमाई हुआ करती थी। ऐसा नहीं था जो उस कथा को अरेंज करवा रहा है उसी से कोई स्पेशल डिमांड रखी जाती हो। टीम उनके पास भी थी, बस वे चीज अपनी जरूरत के हिसाब से ही लिया करते थे। बस इनके रहने और खाने का इंतजाम जो बुलाया करता था उसे करना होता था। लेकिन कई कथावाचक तो ऐसे भी थे जो अपना रहना खाना 7 दिन तक पंडाल में ही किया करते थे। अगर आपने भी ऐसे कथावाचक देखे हों तो कमेंट में जरूर बताएं। अब बात करते हैं इन्होंने जो कहा है उसकी। सबसे पहले बात करता हूं इनके यूट्यूब चैनल की, जिसपे 3.2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और इंस्टाग्राम पे 11.4 मिलियन फॉलोवर्स हैं। अगर मैं सिर्फ सोशल मीडिया की ही इनकम की बात करूं तो मिनिमम 10 से 12 लाख तो बहुत इजीली हो जाती होगी। वहां से भी आप अपनी टीम और खुद को मैनेज कर सकते हो, लेकिन लग्जरी लाइफ जीने के लिए जितना पैसा मांगो वो कम ही है। अब आगे सुनिए। और मैंने शुरुआत बहुत हम्बल बैकग्राउंड से की है और मैं उठकर आई हूँ, मेरा परिवार है, मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं उन परिवारों की। लेकिन जब आप 100% कहीं पर देते हैं, लेकिन वहां से अगर आपको कुछ भी इनकम नहीं हो रहा है तो आप ज्यादा समय तक वहां नहीं रह सकते अगर आप गृहस्थ से हैं तो। प्लस हमारे पास 20 से 25 लोगों की टीम है सिर्फ कथा के लिए, जिसमें सब कुछ आते हैं, आर्टिस्ट भी आते हैं, म्यूजिशियंस आते हैं, साउंड सिस्टम आता है, डेकोरेशन आता है, जिन सबका घर इससे चल रहा है। आज उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके घर में खाना आ रहा है, तो इतना काम भी हो रहा है जिस पर नजर नहीं जाती है किसी की। और ये मेहनत की कमाई है, आप मेहनत कर रहे हो उस चीज के लिए। मैं पढ़ रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ, मैं दिन रात एक कर रही हूँ, मैं बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस में ट्रैवल कर रही हूँ, तो ये नहीं दिखता है। और दूसरी बात, जब मैंने साफ साफ कह दिया कि मैं संत और साधु नहीं हूँ। देखो, वेद व्यास जी की गद्दी पे कोई ऐसे ही नहीं बैठ जाता है, कुछ तो त्याग देना ही है। क्यों कोई यूपीएससी आईआईटी जैसे कंपटीशन में बैठेगा? सबसे बढ़िया करियर ऑप्शन तो यही है, फिर 100% रिटर्न की गारंटी भी। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता आप फ्री में करो, आप डोनेशन भी करते हो जो अच्छी बात है। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि हमारे कथावाचक दयनीय स्थिति में दिखें। एक उदाहरण से समझिए, भगवान राम ने वन में रहते हुए बिना किसी सेना के भी रावण को हराया, और वो चाहते तो वनवास नहीं जाते। दशरथ जी द्वारा बताया कि समाधान का सहारा लेकर वो राज्य भी कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। अब कुछ लोग तर्क देंगे कि कुछ भी हो, कम से कम अच्छी बातों को प्रचार तो कर रही हैं। तो मैं यही कहूंगा, अपने आसपास कंफर्टेबल वातावरण में ज्ञान ही निकलता है, लेकिन जब आप विकट समस्याओं से घिरे हुए होते हैं तो ज्ञान की बातें नहीं निकलती। मेरा मानना है एक परेशान और परेशानियों से निकला व्यक्ति अच्छा ज्ञान दे सकता है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।